नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। बीटीएस के मेंबर सुगा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बीटीएस की कंपनी विकेट्स म्यूजिक ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि बीटीएस के मेंबर सुगा अभी क्वारंटीन है और उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज भी ले ली थी। बीटीएस की कंपनी विकेट्स म्यूजिक ने बताया है कि अपने आधिकारिक बयान में वे सुगा को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेंगे। और आपको बता दें, बीटीएस के मेंबर सुगा अपने अन्य बैंडमेट के संपर्क में नहीं आए थे। 23 दिसंबर को कोरिया लौटने के बाद सुगा का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सुगा ने नियमों का पालन करते हुए अगस्त में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी। वे स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार घर पर क्वारंटीन है। सुगा अपने अमेरिका की छुट्टियों के दौरान कई लोगों से मिले थे। अमेरिका की यात्रा से पहले उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था और वे निगेटिव आए थे और दोबारा कोरिया लौटने पर पीसीआर टेस्ट कराया गया जिसमें वे कोरोना पॉजिटिव आए। सुगा की हेल्थ सबसे जरूरी है, कंपनी ने अपने बयान में ऐसा कहा। इसके बाद कोई और चीजें हमारे लिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे ताकि सुगा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हम स्वास्थ्य अधिकारियों के आदेशों और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। रैपर ने अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ कई इवेंट्स में हिस्सा लिया था। इसमें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2021 जेम्स कॉर्डन के साथ 4 दिन के लाइव कॉन्सर्ट में परमिशन टू डांस ऑन स्टेज LA में शामिल थे। इसके बाद बीटीएस के सदस्यों ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि वे छुट्टियों पर जा रहे हैं। उनके बैंड के सदस्यों ने पिछले 2 साल से छुट्टी नहीं ली है। साथ ही टीम ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात की थी। वेकेशन के दौरान टीम के सदस्य अपने फैंस को एंटरटेन के लिए अक्सर लाइव और चैट शो करते दिख रहे हैं। हाल ही में जे होप, RM और वी का मजेदार चैट वायरल हुआ था जिसमें वी RM से अपने जन्मदिन के खास मौके पर गिफ्ट में पेंटिंग मांग रहे थे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।